नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे गुलाब का प्लांट लगाने की विधि, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कली हमारे पास तो एक प्लांट में 100 या 150 कली होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया। देखिए कितना सारा कली है, एक डाली में आपको 15 से 20 कली आ जाता है। यह ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत अच्छा वाला वेराइटी है। इसमें कैसे कैसे खाद दिए थे और क्या क्या दिए थे आपको बताएंगे, और कब इसका कटिंग कर देना होगा, और उसके बाद फिर लगाना है, इसका समय कौन है लगाने का, ये सब आपको पूरा सब बताएंगे। और कौन कौन खाद दिए थे, ये ऑर्गेनिक खाद दिए थे लेकिन कुछ इसमें दूसरा चीज़ का प्रयोग किए थे, वो सब भी बताएंगे। और खाद बनाने का विधि आपको अगले वीडियो या 2-3 वीडियो बाद जरूर बता देंगे, इसमें कौन कौन चीज़ का खाद पड़ा था। आप जरूर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये देखिए, ये गुलाब का प्लांट है, ये देसी वाला वेराइटी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आता है। इसको महीने में एक बार हम वर्मी कंपोस्ट आधा केजी दे देते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पे लगा हुआ है। इतना बड़ा आप गमला में नहीं लगा के कर सकते हैं, क्योंकि ये देसी वाला वेराइटी है। ये 20 इंच वाला गमला में लगाइए और थोड़ा कटिंग करके रखिएगा, तो एक डाली में आपको 10-12 फ्लावर देने लगेगा, पूरा डाली भर जाएगा। आपको अगस्त के महीने में इसका कटिंग तो जरूर कर देना होगा। आप नीचे से जड़ से एक हाथ छोड़ के या एक बित्ता छोड़ के आप काट दीजिए, फिर आगे बढ़ हो जाएगा। फिर वैसे ही करके बढ़ते बढ़ते ये प्लांट बहुत बड़ा बन जाएगा, और फिर उसको काट के वो उसी समय यूरिया या बर्मी कंपोस्ट 1 केजी की मात्रा दे के और छोड़ दीजिए। जितना बड़ा गमला हो पहले मिट्टी निकाले, 2-3 दिन सूखने दे जड़ को थोड़ा, लेकिन थोड़ा मिट्टी उसका सारा रूट नहीं खने, थोड़ा वही 1-2 अंगुली खन दे, और उसके बाद उसमें फिर गमला में नीचे में जड़ के सटा के जो उसका, और 2-3 दिन सूखने दीजिएगा अगस्त में। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला के भर दीजिए। अगर यूरिया देने का मन होगा तो यूरिया भी दे सकते हैं, अगर तोरी का खली देने का मन है तो तोरी का खली भी दे सकते हैं। हम तोरी का खली को, सरसों के खली जो होते हैं उसको हम घोर के बना के और उसको 2-3 दिन पे देते हैं। इसमें केला का भी प्रयोग करते हैं, जिसके कारण केला का छिलका भी उसी में रख देते हैं, जिसके कारण इतना सारा फ्लावर एक प्लांट में ही आता है और बहुत बड़ा प्लांट बन गया है। जिसके कारण देखिए ये इतना कली दे दिया है, एक प्लांट में 20 कली है, मतलब ये 1-1.5 हज़ार कली है। बहुत सारा फूल दिया था, 1-1.5 हज़ार फूल इसमें हो गया था पूरा में बंच में। ये 2 प्लांट है, 2 प्लांट से ही इतना बड़ा दूर में छेक लिया है। ये बहुत सा जंगल टाइप का बन गया है, लेकिन अभी मधुमालती के बगल में है तो इसको रखना आवश्यक है। फिर अगले महीने 2-4 महीने बाद ही ये जब फूल देना कम जाएगा तो इसको काट के हटा देंगे, और इसी के डाली से आपको लगाने का विधि, लगाना बहुत आसान है। इसका एक डाली लिया, थोड़ा थिकनेस मोटा हो, इस साल का नहीं हो, थोड़ा मतलब काला टाइप का पड़ जाए वैसा लाए, नहीं तो सूखने का ज़्यादा खतरा रहता है। कोमल डाली नहीं हो, थोड़ा दिन पुराना डाली रहेगा तो पुराना डाली लगने का ज़्यादा अच्छा से चांस रहता है। और एक गमला में 2-3 डाली लगा दें, एक भी डाली आपका सर्वाइव कर जाएगा, और सब प्लांट हटा उखाड़ के हटा दें और एक छोड़ दें, एक ही से बहुत सारा प्लांट बन जाएगा। उसको 12 इंच वाला गमला में पहले लगा, उसके बाद 20 इंच वाला, ये देसी वेराइटी है, ये ब्लॉक वो वाला वेराइटी नहीं, हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड वाला मेरे पास 3 कलर है, एक रेड है और 2 कलर और है, तो वो हाइब्रिड वाला अलग है, वो उसका भी वीडियो बना लिया है, कल या परसों उसका भी वीडियो आ जाएगा। इसमें हमने ज़्यादातर इसका सरसों की खली का प्रयोग किया है, और यूरिया का वही महीने में एक बार कर दिए थे, वो भी इसमें दिए थे 100 ग्राम, लेकिन जो कि ज़्यादा हो गया था। उसके बाद पानी दे दिए थे, पानी रोज़ाना देते हैं, ताकि बहुत बड़ा बहुत फ्लावर इसको देना पड़ता है। और एक प्लांट इसमें 20-25 डाली बन गया है, इससे जाके इतना सारा फ्लावर होने लगा है। और इसमें रेड वाला है, रेड वाला एक ही प्लांट है, रेड वाला जो देसी वाला गुलाबी आता है, जो गुलाब असली देखने में लगता है बहुत अच्छा सुंदर, वैसा एक ही प्लांट है, लेकिन वो भी प्लांट मेरे पास है। ये प्लांट ज़रूर आप लगाएं, और इससे बहुत सारा फ्लावर आएगा। एक वाइट वाला आता है इसी में, तो वो भी था लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब सूख गया।
इसी के नीचे था, यहाँ 6-7 प्लांट लगाए थे तो यही दो बचा हुआ है। हम ऐसे तो एक बताएंगे गिलास में लगाने की विधि, थोड़ा फ्लावर इसमें कम हो जाएगा तब उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए गिनती करिए कितना सारा कली दिए हुए, आप गिन नहीं सकिएगा इतना सारा कली है और बहुत सारा फ्लावर बन जाता है। और उसके बाद यही फ्लावर फिर फ्रूट में बनने लगता है, लेकिन इसमें कोई फल नहीं बन पाता है, ये अपने आप झड़ जाता है। उसको भी हटाते रहिएगा तो वहाँ से फिर कली दो करना देगा, उसमें से 8-9 फ्लावर दे देगा, मतलब कली देगा, उसके बाद वो भी फ्लावर बन जाएगा। ऐसे ही करके बार बार बनते रहेगा, जिसके कारण आपका गमला का गार्डन की शोभा बढ़ाएगी। एक प्लांट आप जरूर इसका जरूर लगाए, ये देसी वाला ही होता है, ये आपको कहीं पे किसी नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन हाइब्रिड मिलेगा ये 10 या 15 रुपए में मिल जाएगा कोई भी नर्सरी में। इसका देसी वेराइटी कहा जाता है, दोनों का देसी वेराइटी आता है, वही लगा दें। ये लगाइएगा पूरा गार्डन आपका अच्छा सा देखने में लगेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएगा। ये देखिए ये ऐसा कलर है, एक वाइट आता है, वाइट अलग होता है, वाइट तो बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन ये भी कुछ थोड़ा मोड़ा तो लगता है अच्छा। जब पूरा ब्लूम पे आ जाता है, ब्लूम के उस समय का फोटो होगा मेरे पास, फिर कहीं ब्लूम आएगा तो ब्लूम पे आपको ज़रूर वीडियो बना के बता देंगे। इसका प्लांट का डेड हेडिंग करना सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि आप एक साल में एक बार कीजिएगा, ज़्यादातर खाद देने से इसका प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना पड़ता है। इसलिए जितना बड़ा प्लांट रहेगा उतना ही अच्छा फ्लावर देगा। आपके पास गार्डन है तो दो एक प्लांट तो ज़रूर लगा ले इसके पास बारे में, इसको ज़रूर लगाएं और इसमें ज़रूर आप वर्मी कंपोस्ट और खली दें। अगर आपका नीम ऑयल है ऐसे, इसमें कोई एफिड का अटैक तो नहीं होता है, लेकिन नीम ऑयल होगा तो नीम ऑयल भी दे सकते हैं। इसका कटिंग अच्छा सा लगाए और इसका प्लांट आपको ग्रो करने लगेगा तो जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहे तो कटिंग कर दीजिएगा, फ्लावर देना बंद कर देगा फरवरी तक। उसके बाद साल में ये फिर अक्टूबर से देना स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर से, लेकिन इस साल दिसंबर से हमारे देने लगा था, अब मार्च फरवरी मार्च में जाके बंद हो जाएगा। साल में पूरा साल तो ये फ्लावर नहीं देता है, ठंड के भी मौसम में ज़्यादातर फ्लावर देता है। इसमें यही एक गुण खासियत है, लेकिन रेड गुलाबी वाला जो आता है देसी वाला, उसमें तो सालों भर फ्लावर आते रहता है, उस बहुत अच्छा वो देखने में लगता है। ये ठंड में नहीं है, ये इसको धूप की आवश्यकता होती है, ये फुल टाइम धूप में रखना होगा, अगर धूप कम लगेगा तो इसको उतना सर्वाइव करने में नहीं बनेगा। कली आप गिन सकते हैं, फ्लावर आप गिन सकते हैं, और फ्लावर झड़ गया है, इतना सारा फ्लावर हो गया है। अब मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसे वीडियो मैं बार बार लाता हूँ। इसका प्लांट आप जरूर लगाएं और इसका 10 या 12 रुपए में आप अपने नर्सरी में जाकर संपर्क कीजिएगा तो ज़रूर मिल जाएगा, और वहाँ से ले आइए और लगा दीजिए अभी ही। ये ठंड के मौसम में ही इसका कटिंग भी लगता है, लेकिन अभी इसमें ज़्यादातर फूल है, ऐसे बरसात के मौसम में अच्छा सा कटिंग लग जाएगा। और फरवरी में आप इसका मतलब वही फागुन होली के समय में इसका कटिंग कर दें, जिससे ये फिर फ्लावर देना स्टार्ट अगले साल करने लगेगा और बहुत बड़ा प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।